हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी प्यारे साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं विवेक कुमार, यूवी कंपटीशंस चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, रोजाना की तरह मैं लेकर हाजिर हूं डेली करंट अफेयर्स जीके, जो कि आपका हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में है। मेरे प्यारे साथियों, आज 14 जनवरी 2019 मकर संक्रांति पर हम बात कर रहे हैं डेली करंट अफेयर्स की। सबसे पहले आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। और मेरे प्यारे साथियों, यदि आपने हमारा चैनल यूवी कंपटीशन सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूवी कंपटीशन चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे द्वारा दिए गए अपडेट्स के नोटिफिकेशन मिलते रहें। इसके साथ ही यदि आप राजस्थान जीके और मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ना चाहते हैं तो राजस्थान जीके और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए अनअकैडमी पर हमें फॉलो करें। अनअकैडमी पर फॉलो करने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ करंट अपडेट्स, रिक्रूटमेंट नोटिस, क्विज और हेल्प सेंटर के लिए आप यूवी कंपटीशंस जो कि इंस्टाग्राम पेज है, वहाँ पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार। सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रीय समाचारों की। आज हमारा जो समाचार है वो वन लाइनर में है। सबसे पहला है कि भारत के इस शहर में बाल संरक्षण पर राष्ट्रीय परामर्श आयोजित किया गया। इसका सही जवाब है नई दिल्ली में। दूसरा है 106वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस में इस संस्था को एग्जीबिटर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया। तो इसका सही जवाब है DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन को। नेक्स्ट बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचारों की। तो हैनले पासपोर्ट सूचकांक के अनुसार इस देश का पासपोर्ट शीर्ष पर है। सही उत्तर है जापान का। पहली भारत मध्य एशिया वार्ता का आयोजन इस देश में किया जाएगा। तो सही उत्तर है उज्बेकिस्तान में। नेक्स्ट है बैंकिंग समाचार। विश्व आर्थिक फोरम की ताजा रिपोर्ट के अनुसार इस वर्ष तक भारत का उपभोक्ता बाजार अमेरिका और चीन के बाद तीसरे स्थान पर होगा। तो सही उत्तर है 2030 तक। भारत के इस पड़ोसी देश के सेंट्रल बैंक को RBI से 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर का स्वैप दिया जाएगा। तो इसका सही जवाब है श्रीलंका को। नेक्स्ट खेल समाचार। हॉकी इंडिया ने पुरुष टीम के कोच को पद से हटा दिया। उनका क्या नाम है? तो हरेंद्र सिंह को पुरुष टीम के कोच के पद से हटाया गया है। हॉकी का एक टूर्नामेंट सुल्तान अजलन शाह कप का आयोजन इस माह में किया जाएगा। तो कौन से माह में किया जाएगा? मार्च 2019 में किया जाएगा। नेक्स्ट है व्यक्ति विशेष की यदि बात की जाए तो अयोध्या मामले की सुनवाई करने वाली संवैधानिक पीठ से हटने वाले जस्टिस का नाम क्या है? तो जस्टिस यूयू ललित, जिन्होंने कि अयोध्या के मामले में जो फैसला दिया था वो देना था फैसला, लेकिन वह उस संवैधानिक पीठ से हट गए और अब अयोध्या के बारे में जो फैसला आएगा वो 29 जनवरी को दिया जाएगा। नेक्स्ट सामान्य ज्ञान में बात की जाए तो सेना वायु रक्षा दिवस मनाए जाने की शुरुआत किस वर्ष में हुई? तो 1994 में। विश्व आर्थिक फोरम की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार किस देश का विश्व का सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार है? तो सही बात है अमेरिका का। तो मेरे प्यारे साथियों, ये था आज का करंट अफेयर्स जो कि आपके सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। और यदि हमको हमारे वीडियोज पसंद आते हैं तो लाइक करें, जो भी आपकी क्वेरी है, जो भी क्वेश्चन है वो कमेंट करें और यूवी कंपटीशन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही हमें फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें और अनअकैडमी पर भी फॉलो करें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। मकर संक्रांति की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और आपका दिन शुभ हो।